पाकिस्तान को वो हजार गाली देते हैं, लेकिन 45 लाख डोज आपने पाकिस्तान को दे दिया, आपने भूटान को 25 लाख डोज दे दिया, आपने देश का गरीबों का राजस्व का लाखों करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन गरीब इस ट्राइबल स्टेट हमारा बैकवर्ड स्टेट पिछड़ा स्टेट के लोगों को आप वैक्सीनेशन देने के लिए रेमडेसिविर देने के लिए हमारा जो है और दवाइयां देने के लिए और संसाधन देने के लिए आपके पास नहीं है। कहां गया है 20 लाख करोड़ रुपया? अभी आप जानते हैं 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भी भेजा गया है। आप बताइए कि 8 करोड़ 40 या 50 लाख के आसपास भेजा गया है। आप बताइए कि क्या ये हम लोगों की गाल पे तमाचा नहीं है? क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? अभी आज से 2 दिन पहले जो है 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भेजा गया है। आप बताइए इस तरह की क्या ये संघीय सरकार ऐसी चलती है? हमको रेमडेसिविर की जरूरत है हमारे हिसाब से रोज 4000, लेकिन हमारा अनुपात और गुजरात का अनुपात, गुजरात के मुख्यमंत्री बोलते यूपी के मुख्यमंत्री बोलते हमको रेमडेसिविर का कोई कमी नहीं है, हमको कोई संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 20,000 रेमडेसिविर 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए 20,000 एलोकेट किया है और इसके बाद भी हमको नहीं मिल रहा है। हमने 2,000 रेमडेसिविर असम से उधार लिया है। ऐसी विकट और विपरीत परिस्थिति में तो कम से कम जब बाढ़ और तूफान आती है तो सांप और चूहा भी एक ही पेड़ पे बैठ जाता है, दोनों बेचारे दुश्मन होते हैं, लेकिन उसमें भी जो है जीव जंतु में भी ये जरूर होता है कि वो दोनों एक दूसरे को घात प्रतिघात नहीं करते हैं। लेकिन केंद्र की सरकार जिस तरीके से झारखंड राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय को मैं आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों के सामने रखा हूं कि ताकि आपके माध्यम से हमारी भावनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी के पास तक पहुंचे। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य 2021 के बजट को हमारी बड़ी बहन निर्मला सीतारमण ने पेश किया था लोकसभा में और जब पेश किया तो इसमें 35,000 करोड़ रुपया का देखिए पॉइंट नंबर 38 में 35,000 करोड़ रुपया इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किया कि हम वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की राशि बजट में हम रखते हैं। और आज जब वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो तीन तरह से वैक्सीनेशन वैक्सीन को तीन तरीके से उसकी टैरिफ सुनिश्चित की गई। आप बताइए जो लोग ये नारा बुलंद करते थे एक देश एक विधान एक संविधान, एक देश एक विधान एक संविधान का नारा बुलंद करने वाले लोग आज जब जीवन रक्षक दवा वैक्सीन के रूप में भारत के लोगों को जान बचाने के लिए जरूरी है तो उसको तीन तरह से तीन कैटेगरी में बांट दिया है। 150 रुपया केंद्र की सरकार के लिए,